धन्यवाद करता हूं जो शॉर्ट नोटिस पे यहां आए हैं, और यूथ अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन जिसका नेतृत्व हमारे जिम्मे पड़ा है, हम जो युवाओं की बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम लोग JKSSB में जो अभी हाल ही में एक एग्जाम कैलेंडर इशू किया है जिसमें वो स्कैम के कारण कैंसल हुआ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर जो है, एक फिर से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम एपटेक है और जिसका हाल ही में कराया हुआ सीटेट पेपर और KVSK, KVPRT, PGT और KV का TGT तीनों पेपर किसी न किसी प्रदेश में लीक हुए हैं, और लीक का तरीका उनका सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज है। उनके सॉफ्टवेयर को हैक करके किसी दूसरी जगह, यानी कि लेह का पेपर लोग हरियाणा में कर रहे हैं, पटना का पेपर लोग पानीपत में कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के सॉफ्टवेयर को JKSSB भरोसा कर रही है और इसका टेंडर पहले से, हालांकि ये टेंडर पहले से क्वेश्चन हुआ है, जैसे नरगाल साहब की जजमेंट में ये चैलेंज हुआ था, उसके बाद स्टे हुआ है। अभी ये वर्तमान में जो केस है ये फाइनल हो, इसकी हेयरिंग हो चुकी है जस्टिस ताशी रेबिस्तान जी के कोर्ट में और साथ में एम के चौधरी उनकी कोर्ट में ये सुना गया था। लेकिन आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो सीटेट का जो रिजल्ट आया है, जो पेपर लीक हुआ था और सरकार ने उसको नकारा था, इसमें कई चुकाने वाले नंबर हैं। सेम सिलेबस के पेपर दो से तीन दिन के गैप पे होने के बाद लोगों के एक पेपर में 150 में से 50 नंबर, 40 नंबर, 21 नंबर, तो दूसरे पेपर में जो पेपर उनको मिल गया था उसमें 150 में से 115, 125, 128 क्वालिफाइड। और ये जो पेपर है, ये आप देख रहे हैं स्कोर कार्ड है, ये CBSE का CTET का स्कोर कार्ड है जो पेपर लीक हुआ था, जिसको बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों ने भी रिपोर्ट किया था, लेकिन केंद्र सरकार के अधिकारी, CBSE के अधिकारी, उन्होंने इसको कहा था ऑनलाइन पेपर में ऐसा हो नहीं सकता, और ये पेपर एपटेक ने कराया है। यही कंपनी जब KVS करा रही थी तो पेपर चोरी करते हुए लोग पकड़े गए हैं। आज हम जो जम्मू कश्मीर का युवा पिछले 9 महीने से स्कैम के चलते त्रस्त है, वो बार बार सरकार से, LG प्रशासन से मांग करता रहा कि भाई हम इसे भरोसा नहीं बना पा रहे हैं, कुछ करिए। तो उनके अधिकारी, चाहे वो जिला स्तर के अधिकारी हो, चाहे वो डिवीजन स्तर के अधिकारी हो, चाहे वो JKSSB को चलाने के लिए UT लेवल के हों, लेकिन वो खुद बताते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, शक्ल से ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहे, चला कोई और रहा है, सीधा कहते हैं GAT से चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं जजमेंट देख के लगता भी है कि चीफ सेक्रेटरी साहब का खास ध्यान JKSSB की तरफ था, तभी उन्होंने डायरेक्ट किया था कि CBT मोड में पेपर हो, और एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को टेंडर देने के लिए क्लॉजेस भी चेंज किए गए थे। आगे का जो सारा वृत्तांत अतुल जी आपको बताएंगे। हम पिछले 2 दिन से लगातार सड़कों पर हैं, जिस दौरान सरकार ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे हमारे जो एस्पिरेंट्स थे, जो आने वाले इस जम्मू कश्मीर UT के प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई। पहले तो हम उसका खंडन करते हैं। दूसरा, हमारी जो मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग सड़कों पर हैं, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो कैलेंडर इशू किया है जिसके मुताबिक हमको एक ब्लैक लिस्टेड टेंटेड कंपनी के हाथों में दोबारा एग्जाम देने हैं, एक तो उस कैलेंडर को हम मांग करते हैं जल्द से जल्द वापस लिया जाए। दूसरा, उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने आज तक जितने भी CBT पेपर यहां करवाए हैं उन सभी पेपरों की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, क्योंकि हमारे पास इनपुट्स हैं, कुछ सबूत हमारे हाथ लगे हैं, जिसमें जो JKPSI का एग्जाम दोबारा करवाया है वो साफ तौर पर लीक हुआ दिख रहा है। तीसरा, हम ये कह रहे हैं कि जो ये एपटेक कंपनी है इसको ही यहां से वापस भेजा जाए, क्योंकि हम ऐसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी जो पहले तो ब्लैकलिस्टेड थी
पहले तो उसको स्टेट्स ने बैन किया था, लेकिन हाल ही में जनवरी और फरवरी के महीने में आप ले में देखिए केवी का पेपर ये कंपनी लीक करती है, जहां इनके अधिकारी पकड़े जाते हैं। बाकी राज्यों में देखिए, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बहुत सारी स्टेट्स में इनकी ये जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो सामने दिखी हैं, और सबसे बड़ी बात इनके अधिकारी उसमें पाए गए हैं। ऐसे में हम मांग करते हैं कि इस कंपनी को वापस किया जाए, और ये जो पब्लिक रिक्रूटमेंट है, सरकार ये रिक्रूटमेंट खुद करवाए, किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में देने की जरूरत नहीं है। और आखिरी मांग जो हमारी है वो है एक सख्त कानून पेपर लीक को लेकर जम्मू कश्मीर में बनाया जाए, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हुआ, सीबीआई इंक्वायरी हुई, लोगों के नाम सामने आए, लेकिन दुख तब होता है जब वो सारे के सारे लोग जिन्होंने पेपर खरीदा या बेचा वो हमारे साथ दूसरे तीसरे डेस्क पे बैठ के सेम पेपर दोबारा दे रहे थे। ऐसे में हम ये मांग करते हैं कि जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं होती ये आंदोलन चलता रहेगा, और अगर सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, आज अगर केवल कैपिटल सिटीज जम्मू और श्रीनगर में ये प्रदर्शन चल रहा है, कल को हर जिले में, हर तहसील लेवल। ब्लेसिंग चाइल्ड केयर सेंटर, आई हैव बीन रनिंग दिस इंस्टीट्यूट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। दिस इंस्टीट्यूट बिलीव इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे स्कूल में ये है कि हम पहले इन लोगों बच्चों की साइकोलॉजी पे काम करते हैं, ताकि हम देखें कि कैटेगराइज करें कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी, देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। इट्स नॉट लाइक कि हम बच्चों को ला रहे हैं और अंदर रख रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट वी कैटेगराइज द चाइल्ड, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द चाइल्ड। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आवर इंस्टीट्यूशन गिव, दैट इज़ द दीनी तालीम, जिसमें कि हमारे आ जाते हैं कलमास, कुल और 10 क्वेश्चन जो सीरत के। दे शुड नो द बेसिक्स ऑफ द इस्लाम एंड देयर आइडेंटिटी एज वेल। हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं इनकी कॉन्वर्सेशन पे और इन बच्चों की कॉन्वर्सेशन पे, और इनके लिए मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, ताकि ये जाके जब इंटरव्यूज दें तो इट शुड बी ए फेमिलियर टाइप ऑफ ए एनवायरमेंट फॉर देम। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करते हैं, जैसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, मॉक इंटरव्यू है, कलर डे है, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो कि बच्चों को पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट दे देता है। तो मेरा जो मोटिव ये है कि दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ द चाइल्ड। तो फाउंडेशन में यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली द पेरेंट्स, दे शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग, कि बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे सबसे पहले उनको एक मदर मिलनी चाहिए। व्हेन दे कम टू द इंस्टीट्यूट यू हैव टू सर्व एज अ मदर। ये दिस इज नॉट अ स्कूल, इट्स ए क्रच कम प्रिपरेटरी। यू हैव टू प्रिपेयर द किड्स फॉर द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन एंड द हार्डशिप्स ऑफ द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप बच्चों को जितनी भी हार्डशिप्स हैं स्कूल्स की, कि वहाँ पे दे हैव टू बी अमंग 70-80 किड्स, तो वहाँ पर इनको अपना आप संभालना आना चाहिए। कैसे हम इनको संभालेंगे, कैसे अपने आप को संभालना, कैसे हमें खाना खाना, कैसे हमें वैन में बैठना है, तो इन्हें होमली एटमोसफियर। थैंक यू सो मच। दीज आर द साइलेंट फीचर्स, देर आर सो मैनी अदर्स ऑल्सो, बट दिस इज सिंस वी रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, तो मुझे लगता है दिस मोर देन सफिशेंट फॉर द पेरेंट्स। दिस क्रच इज लोकेटेड इन द कानसपुरा, दैट इज बिहाइंड लेविश रेस्टोरेंट।